गुजरात के फरीदकोट से आज एक सनसनीखेज तस्वीर सामने आई। यहां झगड़ा सुलझाने गए डीएसपी की गोली लगने से मौत हो गई। इस घटना की जो तस्वीरें सामने आई उसे देखने से लग रहा है कि डीएसपी बलजिंदर संधू ने खुद को गोली मार ली। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं है कि उन्होंने वाकई खुदकुशी की या फिर गलती से गोली चल गई। दरअसल फरीदकोट के जैतो में कॉलेज के बाहर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। डीएसपी संधू छात्रों को समझाने के लिए पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि जिस वक्त वह छात्रों को शांत कराने की कोशिश कर रहे थे उसी वक्त उन्होंने खुद की कनपट्टी पर पिस्टल लगाई और उसी दौरान गोली चल गई जिससे वो तुरंत गिर पड़े। घटना का लाइव वीडियो सामने आया जिसमें डीएसपी बलजिंदर कनपट्टी पर पिस्टल लगाए और फिर जमीन पर गिरते दिखते हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि गोली गलती से चली। गोली लगने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। गोली चलने की सच्चाई क्या है इस पर पुलिस भी खुलकर साफ साफ कुछ नहीं बोल रही। Come on!